論めがれて言えない。This is the last category we do have today. You know, after becoming a general manager, as the general manager is aspiring to become a diplomat. Now, what is diplomat? Once you have one general manager in your SSO, another general manager in your SSO, that person is known as a diplomat. Okay, then I talk about car, talk about success, you talk about fame, talk about name, talk about fun following. You talk about any damn successful thing in your life. अगर आप diplomat बन जाते हैं तो वो चीजें already अपने आप आपके पास होती हैं। अगर मैं पूरी एशिया के इंडिया की बात करूं, देयर आर नियरली नियरली नो इंडियन ओनली नियरली 15 टू 20 डिप्लोमैट्स इन सीआईएसएफ इंडिया। और आप लकी इनफ है, उन 20 लोगों में से आपको दो चुनिंदा लोगों का यहां देखने का मौका मिलेगा। सो प्लीज मेक वे फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंस देयर आर I
चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, पड़ोसी ने और एक इंसान ने मुझे यही बात समझाई बेटा, 21 साल तक तुझे ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, अपने माँ बाप का 6-7 लाख रुपया का खर्चा करवा के 15,000 रुपए में अपने आप को बेचना है। मार्केट कोर्स को बेचने के बाद, मार्केट में जाने के बाद 30 साल तक वो कमाई करनी है जिसके अंदर तेरा 50% शादी में खर्च होगा और बाकी का सारा पैसा तेरे माँ बाप ने जो आज तक तेरे ऊपर लगाया है उसको रिकवर करने में लगेगा। उस टाइम पे मैंने सोचा ये कोई जिंदगी है, ऐसी क्या जिंदगी। उस टाइम पे जब मैं काम करने निकला पढ़ाई के साथ साथ, तो हमने इनिशिएटिव लिया कि यार चल अपना कुछ अपने वेस्ट टाइम को यूटिलाइज कर लें, जहाँ पूरा यूथ इधर उधर फालतू जगह बिताता है वहां पे हम अपना वेस्ट टाइम यूटिलाइज करेंगे। जब वो दिन आया तो उन्होंने बोला कि अकेला भागता रहेगा कुछ नहीं होगा, अकेला चलता रहेगा कुछ नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा इस एज में, सब एंजॉय करने आते हैं दुनिया में, तू काम करेगा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को उन सब लोगों को यही बात और यही लाइन बोली थी, मेरे दोस्त हर आज से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता और कोई साथ चले या ना चले जिंदगी में अकेले चलना मुझे आता है। तारीफ करना मेरे बस बात नहीं रहेगी, जो जिंदगी में बहुत आगे निकलते चले जा रहे हैं।